What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. रुमाली रोटी घर पर एकदम आसान तरीके से कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक डिटेल्ड रेसिपी तो पहले आप सबके साथ शेयर की भी हुई है मैंने और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। वो जो कढ़ाई को उल्टा करके उसके ऊपर रुमाली रोटी बनाई जाती है जैसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं, वो वाला प्रोसेस तो आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है वो कढ़ाई पर रुमाली रोटी बनाने के लिए। आज जो प्रोसेस बता रहा हूँ तवे पर बनाने वाले, कोई कढ़ाई बढ़ाई की ज़रूरत नहीं है और तवे पर ही एकदम परफेक्ट रुमाली रोटी बन जाएगी और आप फिर बटर चिकन, पनीर मखनी, कबाब्स वगैरह के साथ रोल्स के लिए भी रुमाली रोटी तवे पर एकदम आसान तरीके से घर पे बना पाओगे। तो वो वाला जो मेथड है, तवे वाला मेथड, आसान तरीके से रुमाली रोटी कैसे घर पे बनती है देख लेते हैं। एक बोल में 1.5 कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा, चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून शक्कर और 1 टेबलस्पून तेल डालकर आपको थोड़ा सा बस मिला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। एक बार आपने सारी चीज़ों को मिला लिया तब इसमें यहाँ पर 1 कप ल्यूकवर्म मिल्क ऐड करने वाला हूँ, दूध ऐड करने वाला हूँ, यानी कि गुनगुना थोड़ा सा गर्म करके आपको दूध ऐड करना है। धीरे धीरे दूध को ऐड कीजिए और सारी चीज़ों को आपको कंबाइन कर लेना है, बस दूध और आटा जो है वो कंबाइन हो जाना चाहिए इस स्टेज पर। एक बार सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएँ तो इस आटे को एक प्लेटफॉर्म में या बड़ी सी परात में आप ले लीजिए और इसको अभी गूंदना शुरू करना है। थोड़ा सा सूखा आटा आप लगा सकते हैं गूंदने के लिए, क्योंकि आटा आपका काफ़ी चिपचिपा होगा, तो सूखा आटा लगाकर इसको गूंदिए। गूंदना आपको मिनिमम 10-12 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है कि जो मैदा है उसमें काफ़ी खिंचावट आ जानी चाहिए, ग्लूटेन फॉर्म होना चाहिए और इसी से जो है आपकी जो रुमाली रोटी है वो फटेगी नहीं बेलते समय, जब इसको आप एकदम पतला बेलेंगे। तो अच्छे से गूंदिए लगभग 10-12 मिनट के लिए, जब तक डो की जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म नहीं हो जाती और आपका डो एकदम सॉफ्ट और एकदम स्ट्रेची नहीं हो जाता है। तो 10-12 मिनट बाद आप देख सकते हो मैंने डो को एकदम अच्छे से नीट कर लिया और ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। अब इसका एक बड़ा सा गोला तैयार कर लीजिए। अब एक बोल में थोड़ा सा तेल लगाकर ये डो बॉल को प्लेस कर दीजिए, ऊपर से फिर से तेल लगा दीजिए कि आटे का सरफेस जो है वो सूखे नहीं, और फिर एक गीले कपड़े से इसको आपको ढककर रेस्ट करने रख देना है। आटा एक बार आपने इस तरीके से लगा दिया है तो इसको आपको ढककर रेस्ट होने देना है मिनिमम 2 घंटे के लिए। 2 से 4 घंटे भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 घंटे के लिए ज़रूर करोगे, क्योंकि आटे को हमें ढलने देना है। आटा जब भी ढल जाता है इसको आप बेल पाते हैं। मैदे की कभी भी रोटी आपने घर पर बनाई होगी, देखा होगा आपने कि जब भी रोटी को बेलते हैं वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, खिंचती है, क्योंकि उसको आपने रेस्ट नहीं दिया होता है। जब आटे को आप अच्छे से रेस्ट दोगे तो बिल्कुल भी खिंचेगी नहीं और एकदम पतली और बड़ी रोटी आप बना पाओगे एकदम आसान तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट करना इस आटे को, तो 2 घंटे के लिए अब रेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको हमें पकाना है। एक बार रेस्ट हो जाए आपका आटा तो पकाने के लिए तवा यूज़ करने वाला हूँ, आपको पहले ही बताया था, तो मैं इस तरीके का एक लोहे का तवा यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा तवा ले लिया है तो जो भी बड़ा तवा आपके पास हो वो ले लीजिए, नॉनस्टिक तवा मत लीजिए, कोशिश कीजिए एक लोहे का तवा ले लीजिए। और फिर आपको उस तवे को गर्म करना है, वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। आप डोसे का भी तवा ले सकते हो, डोसा जिसके ऊपर बनाते हो वो भी काफ़ी बड़ा होता है, उस तवे पर बनाइए तो थोड़ी बड़ी रुमाली रोटी बना पाओगे। तवा छोटा होगा रुमाली रोटी छोटी बनेगी, लेकिन बनेगी एकदम परफेक्ट रुमाली रोटी, बस साइज़ का फ़र्क होगा, वो एक खाली दिक्कत है। तो बड़े से बड़ा तवा लीजिए और फिर तवे को प्रिपेयर कैसे करना है वो अब देख लेते हैं। तवे को आपको हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से एकदम गर्म कर लेना है, तवा एकदम आपका गर्म हो जाना चाहिए। तवे के ऊपर एक नमक का पानी छिड़कना होता है तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपको नमक ऐड कर देना और अच्छे से आपको मिला लेना है, नमक वाला पानी बना लेना है, इसको हम गर्म तवे पर छिड़केंगे। तवा जो है मैंने एकदम अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है, तवे को एकदम अच्छे से गर्म होने दीजिए। इसके लिए नॉनस्टिक तवा में मना कर रहा था आपको, हाई फ्लेम पर आप गर्म नहीं कर पाओगे। एक बार आपका तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो इस नमक वाले पानी को इस तरीके से आपको छिड़कना है, एक वाइट कलर की नमक की सरफेस बन जाएगी, इससे आपका जो तवा एकदम नॉनस्टिक हो जाएगा और रुमाली रोटी जो है वो आसानी से आप पका पाएंगे, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं तवे के ऊपर। तो ये एक टिप है, एक ट्रिक की जाती है होटल्स और रेस्टोरेंट में, कढ़ाई के ऊपर भी लगाते हैं। तो एक बार ये नमक की परत बन गई उसके बाद हाई फ्लेम पर ही रोटी को आप पकाएंगे, तो तवे को बाजू में गर्म ही रहने दीजिए, तब तक रुमाली रोटी को हम बेल लेते हैं। तो डो हमारा अच्छे से रेस्ट हो चुका है, आप देख सकते हो डो भी एकदम अच्छे से ढल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो एक छोटा सा पोर्शन आटे का लेकर आपको इसका एक पेड़ा बना लेना है, तो बस इस तरीके से एक पेड़ा बना लीजिए। अब आटे का जो पेड़ा है आपको पहले करना क्या है, जब ये सेटअप करोगे उससे पहले एक आटे का पेड़ा बनाकर बेल कर देख लीजिए, एकदम पतले से पतली रोटी बेल लीजिए और फिर तवे के ऊपर रख कर देख लीजिए कि क्या साइज़ की रोटी बन रही है, उस हिसाब से बाकी भी पेड़े आपको काटने, क्योंकि होगा क्या आप
रोटी बनाएंगे वो बड़ी बन जाएगी या बहुत छोटी बन जाएगी, तो एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, वो टेस्ट के हिसाब से बाकी सारी रोटियां आप अच्छे से बेल सकते हैं। एक बार पेड़ा बना लिया, इसको आगे बेलना कैसे वो देख लेते हैं। एक बार आपने पेड़ा इस तरीके से बना लिया है तो प्लेटफॉर्म पर अब थोड़ा सा मैदा छिड़किए। अब पेड़े को आपको मैदे से कोट कर लेना है। पेड़े को आपने अच्छे से मैदे से कोट कर लिया है, उसके बाद आपको इसको एकदम पतली रोटी में बेलना है। तो बेलन की मदद से पतली सी एक रोटी बेलनी है, बीच बीच में अच्छे से सूखा आटा आपको लगाना है। नीचे भी प्लेटफॉर्म पे या चकले पे मैदा होना चाहिए, ऊपर भी रोटी के मैदा होना चाहिए, आसानी हो जाती है रुमाली रोटी बेलने में। तो एकदम पतली से पतली रोटी अब बेल लीजिए। अब देखेंगे कि हमारे आटे की कंसिस्टेंसी की वजह से और आटे को रेस्ट दिया इस वजह से एकदम रोटी अच्छे से मैं बेल पा रहा हूँ और एकदम पतली रोटी मैंने यहाँ पर बेल ली है। अभी एकदम केयरफुली आपको रोटी को उठाना है इस तरीके से। आप देख सकते हो रोटी की थिकनेस कितनी, एकदम पतली सी रोटी बेल ली है। इसी तरीके से रोटी आपको बेलनी है। उसके बाद जो गर्म तवा था हाई फ्लेम पर ही इसको रोटी को डाल दीजिए। अब ये जो कुकिंग प्रोसेस है बहुत फटाफट होता है, बस एक बार डाला, कुछ ही सेकेंड्स के लिए पकी, इसको फिर पलटाया, फिर कुछ सेकेंड्स के लिए पकाया, बस ऐसे फटाफट पलटा पलटा कर इस रुमाली रोटी को आपको बेलना है। तवा आपका अगर ठंडा होगा या हीट कम होगी तो रोटी जो है वो कड़क हो जाती है ज़्यादा समय के पकने की वजह से। एकदम फटाफट इस तरीके से रोटी को आपको पका लेना है। अब देख सकते हो हमारी रुमाली रोटी अच्छे से पक गई है, इसको फटाफट निकाल लेना है। निकाल कर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इसकी सॉफ्टनेस कितनी है। ये आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम रोटी बनी है। मैंने इसको जब भी हाथ में दबाया और खोला, एकदम परफेक्ट रुमाली रोटी हमारी तैयार हो गई है। तो रुमाली रोटी आपने देखा कितनी सॉफ्ट बनी है, और एकदम आसान तरीका है तवे पर इसको बनाने का। जो नमक वाला मेथड है उससे थोड़ा नॉनस्टिक हो जाता है, उसके बिना भी बन जाती है। कोशिश करो बिना नमक के भी बन रही तो बना सकते हो। अगर चिपक रही होगी तो ये नमक वाला जो टिप मैंने आपको बताया है वो आप कर लेना। रुमाली रोटियां एक बार आप बना लो तो इसे एक कपड़े से ढककर रखना है आपको, नहीं तो हार्ड हो जाएंगी थोड़े समय के बाद। अगर 2-3 घंटे के बाद सर्व करने वाले तो इमिजिएटली करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपके पास कैसरोल है तो कैसरोल के अंदर एक कपड़ा रखिए, रुमाली रोटी रखिए और कैसरोल को ढक के रखिए। रुमाली रोटियां गर्म भी रहेंगी और सॉफ्ट भी रहेंगी। तो इस तरीके से आप बना सकते हो रुमाली रोटी को। वो एक जो टिप मैंने दी कि हाई फ्लेम पर फटाफट पकानी है तो ही रुमाली रोटी सॉफ्ट बनती है, नहीं तो हार्ड हो जाती है, पापड़ के जैसे बन जाएगी अगर बहुत लंबे समय तक आप इसे पकाओगे तो। बस वो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है। मैंने आज कुछ पनीर टिक्का मसाला बनाया हुआ है, रुमाली रोटियां तो बना ही ली हैं। इसे अभी प्लेट कर लेते हैं और इन्जॉय करते हैं रुमाली रोटी को पनीर टिक्का मसाला के साथ, और प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। मज़ा आ गया आज रुमाली रोटी को पनीर टिक्का मसाला के साथ खाने में। पनीर टिक्का मसाला की ये वाली जो रेसिपी अपलोड हो चुकी है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस रुमाली रोटी के रोल बनाई है, कबाब्स के साथ खाइए, अपने मनपसंद ग्रेवीज़ के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है। एंड आई एम श्योर आपको ये एकदम सिंपल वाला जो तरीका है तवे वाला रुमाली रोटी का वो अच्छा लगाओ। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट नीचे कर देना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल, ईजी टू कुक रुमाली रोटी एट योर होम। चीयर्स।